Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from Miles Made Easy, and in this video we are going to focus on Vaughan method. ये Vaughan method है क्या? Actually एक ऐसा method है जिससे कि आप easily यही 5 connectors use करके किसी भी follow-up question के answer को expand कर सकते हो. Yes, IELTS speaking के part 3 के किसी भी answer को expand करने के लिए आपको यही method चाहिए होगा. जैसे आपने मेरा Band's Brew method देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर चेक करना, जाके आपको अबव लिंक शेयर हो जाएगा. वैसे ही ये जो मेथड है ये है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए. बैंड्स ब्रू मेथड था राइटिंग मॉड्यूल के लिए, और उसे यूज करके 5.5 बैंड वाले लर्नर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इजीली 6.5 बैंड के लेके आ चुके हैं. नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस मेथड, एंड मैं ये एक्सप्लेन करूंगी ये कनेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ पार्ट 3 क्वेश्चंस ओनली. सो आपको करके दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि सोनम संधु कैसे ये वॉन मेथड यूज करती है, और बेसिकली मैंने कैसे ये वॉन मेथड यूज करा है जिससे कि मेरे बैंड 9 आए हैं स्पीकिंग में. ठीक है, फॉर दोज हु डू नॉट नो, यस आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 इन स्पीकिंग, और डे 1 पे बैंड 9 वाला लेवल नहीं था. जब सबसे पहली बार एग्जाम दिया था ना, तो आइल्स का उस टाइम पे मेरे स्पीकिंग में बैंड 7 आए थे. उसके बाद बैंड 7.5 भी आए हैं, बैंड 8 भी आए हैं, एंड बैंड 9 भी आए हैं. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी मेरी तरह बैंड 9 स्कोर करना चाहते हो, या फिर आप भी अगर स्पीकिंग के पार्ट 3 के क्वेश्चंस को इजीली आंसर करना चाहते हो. लेट्स गेट स्टार्ट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक है फॉरगेटिंग. ठीक है, हमेशा हमें पता है कि स्पीकिंग में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. जब हम पार्ट 3 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, और फॉलो अप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें डिटेल में आंसर करना होता है. यहाँ पे हमें लेंथी आंसर्स करने होते हैं. बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेस्ड होते हैं हमारे क्यू कार्ड के ऊपर. जैसे यहाँ पे क्यू कार्ड है टाइम व्हेन यू फॉरगॉट अबाउट एन अपॉइंटमेंट, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चंस है, एंड द टॉपिक इज फॉरगेटिंग हियर. ओके, नाउ पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस तो आ गए, बट इन्हें आंसर कैसे करना है कि जिससे कि मैं लेंथी आंसर दे पाऊं, एंड एग्जामिनर शुड स्टॉप मी, आई शुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ. ये चीज मैं हमेशा एक टिप सजेस्ट करती हूँ फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस, यू शुड नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू. सो बस पार्ट 1 में फर्स्ट आंसर बोलो, एग्जामिनर खुद स्टॉप कर लेगा. आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, जस्ट डू नॉट स्टॉप. ओके, नाउ Which things do people quite often forget? अब यहाँ पे first question है, which things do people quite often forget? सबसे जरूरी चीज़ है कोई भी question आ जाए तो सबसे पहले उसे paraphrase कर लो. ठीक है, so यहाँ पे इसे आप paraphrase कर लो, which things do people quite often forget? Okay, so यहाँ पे इसे आप paraphrase कर लो, which things do people quite often forget? Okay, so I believe individuals most of the time do not remember carrying this or that, or do not remember carrying their important documents. I vividly remember once during a flight to Goa, my husband forgot his driving license at home. So this is what usually happens. So आपने सबसे पहले paraphrase करना है, paraphrase करने के बाद कोई example दे दो, और end में conclude जरूर करो. Okay, now यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Vaughan method की, एंड जिन्हें नहीं पता वॉन मेथड क्या है वो जरा ध्यान से देखो. डब्ल्यू डबल ए आर एंड एन. ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू को मतलब होता है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइल या वेयर एज. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइल और वेयर एज. ए A stands for although. Next A stands for also. R stands for rather than. N stands for not only but also. Okay. Now हुआ क्या यहाँ पे देखो. While whereas although also rather than not only but also. अब यहां पे कैसे यूज कर सकती हूँ इसे समझो. जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर कर रही हूँ, विच थिंग्स डू पीपल क्वाइट ऑफन फॉरगेट. आई बिलीव एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट,
Some individuals forget their important documents at home, whereas others forget some clothes at home. I vividly remember I was going to Goa and I forgot my favorite dress at home. And when I wanted to celebrate the New Year's Eve over there, I didn't have that dress. So I had to buy a new dress. So that costed me a lot of money for sure. Thus, I believe many people forget important documents, other forget clothes or maybe something else. So, कुछ इस तरीके से आंसर करा मैंने, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो मैंने while और whereas का बहुत अच्छे से यूज करा. जहां पे भी आपसे वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं या किसी भी चीज के दो साइड्स पूछ रहे हैं तो आप इजीली वहां पे while whereas यूज कर सकते हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम while whereas वी हैव although. ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ऑल्दो हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है तब ऑल्दो आप यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डू यू थिंक यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स मोर देन ओल्ड पीपल. सो अगर हम यहाँ पे बात करें, डू यू थिंक यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स मोर देन ओल्ड पीपल? आई सर्टेनली बिलीव द ऑपोजिट इज ट्रू. Although young people also forget a lot of things at home when they go out because they are so engrossed in their phones, old people forget a lot of things because of their old age, because of so many medicines, because of sleeplessness as well. So आपने आंसर दिया although use करके. Although young people also forget a lot of things because they are so much engrossed in their phones, comma. Elderlies also forget a lot of things, or yeah, elderlies forget more because of sleeplessness and medicines at their old age. कुछ इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो although यूज करके. सो although बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी कुछ अपना बताऊं, although I like eating noodles, I prefer eating it once a week only. Although I am fond of noodles, I prefer eating once a week or fortnightly only. So the point is, हालांकि मुझे noodles बहुत पसंद है, although I like noodles a lot, but I prefer, but तो आना ही नहीं है क्योंकि although लगा हुआ है, comma आता है, but की जगह पे क्या आता है, comma. जो भी लोग but use करते हैं ना, वो समझ जाओ कि but की जगह पे comma आना है. So comma, I eat it once a week only. इस तरीके से आप although use कर सकते हो. हमारा जो नेक्स्ट करेक्टर है डेट इज ऑल्सो, एंड ऑल्सो हम कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, देयर वी यूज ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू यू थिंक सम पीपल हैव बेटर मेमोरी देन अदर्स? ठीक है, सो आपने कुछ यहाँ पे आइडिया दे दिया. आई बिलीव अब यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर लो, पीपल बोल दो, इंडिविजुअल्स बोल दो. ठीक है, सो आई ओपाइन अ फ्यू इंडिविजुअल्स डेफिनेटली हैव better memory as compared to others as they take care of their diet a lot, they sleep on time, they try to maintain their body clock, also they exercise on a regular basis, and I believe mental health and physical health are correlated to each other. If you are physically fit, you'll feel mentally fit as well. So, इस तरीके से आंसर कर सकते हो. ऑल्सो यूज कर दिया जब मैंने अपना सेकेंड पॉइंट ऐड करा, देयर आई यूज्ड ऑल्सो. अब आपने नोटिस करा इससे आंसर्स हमारे एक्सपैंड हो जाते हैं, और डोंट वरी इससे ज्यादा लेंथी आंसर्स देने भी नहीं पड़ेंगे बिकॉज एग्जामिनर को आपको इवेंचुअली स्टॉप ही करना पड़ेगा. जो हमारा स्पीकिंग एग्जाम होता है वो होता है इन बिटवीन 10 और 14 मिनट्स का. सो ये जो इन बिटवीन 10 और 14 है, तो आप कितने भी लेंथी आंसर दे लो, जब उन्हें पता है कि द टाइम इज नॉट लेफ्ट, द टाइम इज वेरी लेस, दे आर गोइंग टू स्टॉप यू एंड देन दे विल आस्क यू द अदर क्वेश्चन. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूछा विच अदर स्किल्स शुड बी टेस्टेड इन एन एग्जाम राधर देन टेस्टिंग. ठीक है, अब यहाँ पे मैं राधर देन इजिली यूज कर सकती हूँ. राधर देन, इससे आप आंसर अपना इजिली स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, राधर देन फोकसिंग ऑन the knowledge of a person, rather than focusing on theoretical knowledge of the person, ठीक है, comma, person should have or learner should have practical skills, learner should know how to do a particular task,
प्रैग्मेटिकली और हाउ टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर टास्क लाइफ. सो कुछ ऐसा आंसर आप दे सकते हो रादर देन फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, रादर देन फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम. एग्जामिनर शुड फोकस ऑन द वे लर्नर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली. एग्जामिनर शुड फोकस ऑन the confidence of the learners. Examiner should focus on the IQ of the learners. Examiner should focus on जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे बोल सकते हो, but you can easily use rather than here. और rather than first sentence में use करके second में ये भी use कर सकते हो. Also, I think learners should not focus, not become bookworm. They should rather understand the concept because understanding is more important than cramming a particular आंसर. सो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो कनेक्टर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. देखो जिसने अभी तक आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि क्या कैसे करना है, अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कनेक्टर्स तो मैम यूज कर लेंगे बट मेरी प्रॉब्लम वोकैबुलरी की है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस तरीके से स्पीकिंग एग्जाम में वोकैब यूज करूं, सो यू कैन सिंपली गो एंड चेक आउट माई स्पीकिंग वीडियो जिसमें समवेयर अराउंड 850 है ना 1000 व्यूज हैं अभी तक ऑलरेडी. सो आई बिलीव अगर आप लोग ये शेयर करोगे तो इस पे बहुत ही जल्दी 10 लाख व्यूज हो जाएंगे. अभी करंटली इस पे 8.5 लाख व्यूज है. सो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस वीडियो. एंड ये वीडियो काफी लोगों को हेल्प कर चुकी है. I personally use these words only in every single exam, in every single attempt of mine. So, आप ये use करो और आपको पता चलेगा कि आपके speaking में score कैसे improve होगा. Now, last but not the least, not only but also. अब not only but also की बात करें तो यहाँ clearly mentioned है कि कोई भी एक, जैसे let's say मैंने question number, ठीक है, 50 दोबारा ले लिया. Which other skill should be tested in an exam? ठीक है. Examiner should not only focus on the theoretical skills, but also on the IQ of the learners, but also on the practical aspect of the exam. Student should not be trained only to cram the answers and write it down in the exam. Rather, student should focus more on, हमने आगे explain कर दिया, rather student should focus more on understanding of that concept. So, इस तरीके से आंसर कर सकते हो. नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्टूडेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज इट विल हेल्प देम इन द लॉन्गर रन. सो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो. एंड दिस इज वॉन मेथड. वॉन मेथड जैसे बैंड्स ब्रू मेथड है ना राइटिंग के लिए, वैसे ही वॉन मेथड है स्पीकिंग के लिए. अगर आप बैंड 5 पे स्टक हो, आपको आंसर्स नहीं पता कि कैसे इलेबोरेट करने, तो आप इजीली यूज कर सकते हो ये वॉन मेथड. आप वॉन पे से सारा नहीं भी यूज कर पाओगे और नहीं समझ आ रहा कि क्या क्या यूज करना है, तो स्पेशली जो भी बैंड 5.5 वाले लर्नर्स है आप इजिली यूज कर सकते हो. एंड बिकॉज ठीक है, इस तरीके के आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हो. एंड बिकॉज इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एज ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस सेम कनेक्टर ऑल्सो भी यूज कर सकते हो आप. ठीक है, सो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इजीली आंसर कर पाओगे. बस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करो और बिकॉज करके या एज करके एक्सपैंड कर दो आंसर को. इट विल हेल्प यू गाइज अलॉट. So that's all for this session. I'm going to see you in the next video of mine. और वो भी बहुत ही important होने वाली है. So भी आने वाले time में कोई भी video miss मत करना if you really want to score well and that too in the very first attempt of yours. Thank you so much. I'll see you in the next video. Until then, bye bye.